यू नो व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द इंजरी, लाइफ एक कितनी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है ना, एक ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू और खुशी ऐड करती है वो आपसे कभी भी छीन ली जा सकती है। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड इन द लास्ट फ्यू वीक्स। मेरी जो खुशी थी वो ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी एंड आई हैव रियलाइज दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। खुशी एक एक्सटर्नल फैक्टर से डिफाइन नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। अगर आप अंदर खुश होगे देन यू विल ऑलवेज समवॉट बी हैप्पी। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आई वॉन्ट यू टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। और ये चीज़ एक हॉबी भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स। तो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज लिटिल थिंग्स, क्योंकि पता नहीं कि आपसे कब क्या छीन लिया जा सकता है। तो यार इनफ डिप्रेसिंग लाइफ मोटिवेशनल टॉक, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ सो गुड टू बी बैक। मैंने आप लोगों को बहुत 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 मिस किया। फॉर दोज 1% ऑफ पीपल जिन्हें पता नहीं मैं कहा था, मेरी बैक की एक छोटी सी इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मैंने अराउंड 2.5 हफ्तों के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं की। आई टुक रेस्ट कम्प्लीटली और अभी फिंगर्स क्रॉस्ड मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। टुडे वी आर गोना स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और अगर मैं थोड़ा सा स्लीपी दिखता हूँ तो दैट्स बिकॉज इन 2.5 हफ्तों में मेरी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दिन में इतना थकता नहीं था, विच इज़ वाई आई वॉज स्लीपिंग थोड़ा सा लेट, स्लीप साइकिल पूरा बिगड़ गया। बट नाउ टुडेज डे 1, मैं वापस उसे फिक्स करूँगा। वो सब छोड़ो, माई मेन कंसर्न इज एक्चुअली माई बॉडी वेट। इन कुछ दिनों के लिए मेरी एक्टिविटी बहुत बहुत कम थी बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली टेकिंग रेस्ट, इसीलिए मुझे बस देखना है कि मेरे बॉडी वेट में क्या चेंजेस आए हैं। सो वी आर एट 67.70, जो ऑनेस्टली इतना बुरा नहीं है। मुझे लगा था कि मेरा वेट 68 के ऊपर चला जाएगा जस्ट बिकॉज बॉडी रिकॉम्पोजिशन का बिल्कुल उल्टा हुआ। आई लॉस्ट Definitely lost muscle, which is the saddest thing on earth. And I have put on some fat. आप बाद में मे भी देखोगे अगर मैं टी शर्ट निकालूंगा, मतलब ऑब्वियसली निकालूंगा। आई डोंट थिंक इस चैनल पे ऐसा व्लॉग है जिसमें आपने मुझे शर्टलेस नहीं देखा है। मैं हर वीडियो में शर्ट निकालता हूँ, शेमलेस। एनीवेज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टुडे, हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द डे ये करना है। तो स्कूटर की लास्ट सर्विसिंग हुई थी मार्च में और प्रॉब्लम ये है कि मार्च के बाद क्वारंटीन शुरू हो गया और उन 6 महीनों में सर्विसिंग एक बार भी नहीं करी। AMC नाम की एक चीज़ होती है, आई एम श्योर यू गाइज नो व्हाट इट इज, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम साल के शुरुआत में कुछ पैसे भरते हैं और उन पैसों से हमें 3 free servicings मिलती है। टेक्निकली वो फ्री नहीं होती बिकॉज पैसे दिए होते हैं, बट बेसिकली हमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। द प्रॉब्लम इज कि ये AMC कुछ महीनों में खत्म होने वाला है। वी हैव टू फिट इन एज मेनी सर्विसिंग्स एज वी कैन ताकि पैसे वेस्ट ना हो। वैसे आई डोंट नो कि बटन स्टार्ट होगा कि नहीं, मे बी किक लगानी पड़ेगी बिकॉज बहुत टाइम से चालू नहीं किया है। वाओ, दैट वाज सरप्राइजिंग, मुझे लगा किक लगानी पड़ेगी। स्कूटर सर्विसिंग को दे दी, अब हम आ गए हैं आर्यन के घर पे बिकॉज आई हैवंट मेट हिम इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो, ओपन द डोर ना। ओके, हेलो, यो, हाउ आर यू? वाह, इट फील्स सो गुड टू बी बैक। वी हैवंट मेट फॉर 3 weeks, विच इज़ लाइक अ न्यू रिकॉर्ड। मुझे याद है पिछले साल एक फेज थी जहाँ पर हम हर रोज मिलते थे और फोन पे स्नैपचैट मेमोरीज में मुझे हर दिन इसका एक फ्लैशबैक आता है। दैट वॉज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जब यूट्यूब की जस्ट शुरुआत हुई थी, वो एक्साइटमेंट फेज में हम एक दूसरे को हर रोज मिलते थे। क्या कर रहा है यार? क्रैकिंग माय नकल्स। 13 सालों की फ्रेंडशिप में मैंने इसका बाथरूम इतना क्लीन नहीं देखा और ये भी फ्लश किया हुआ है इसने। सो यूजुअली इसकी जो टूथपेस्ट होती है, इसकी टूथपेस्ट यहाँ पर और लिड कभी नहीं रहता। और मेरा टूथब्रश किधर है? फेंक दिया ब्रो। क्यों? ईशान डिडंट अप्रूव, लाइक ही सेड ही हैव टू गेट अ न्यू वन, यू हैव टू चेंज योर ब्रश एवरी 1 month। अबे मैंने 3 साल पहले एक टूथब्रश, 3 साल या 3 साल पहले मैंने इसके घर पे एक टूथब्रश छोड़ा हुआ था बिकॉज मैं यहाँ पर आता रहता हूँ ना। वो ऑल्सो आर्यन आजकल बहुत गिटार बजा रहा है, इसीलिए ये सेकंड चैनल बाद में शुरू करेगा। नो सेकंड चैनल, ऐसे ही जस्ट वाइब। कुछ बजा ना प्लीज। क्या सीखा इतने दिनों में ब्रो? मैं कुछ नहीं सीखा।
अरे आई कांट एक्सप्लेन, इट्स नॉट लाइक सो डेफिनेटिव कि क्या सीखा, ये सीखा वो सीखा, जस्ट स्टार्ट वाइबिंग ब्रो लाइक दैट. वो नहीं रहता वो ट्रायंगल डोरिडो, उसको क्या बोलते हैं? डोरिडो नहीं, फिर प्लेक्ट्रम, पिक पिक पिक. व्हाट इज प्लेक्ट्रम? इट्स लाइक अ मोर साइंटिफिक, आई डोंट नो ब्रो. ये होल्स क्या है ब्रो? कौन से होल्स? ये दोस आर नॉट होल्स ब्रो, इट्स जस्ट टू लाइक थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सेवंथ, नाइंथ. ओह Yeah, कितने रहते हैं टोटल? I don't know. कभी but इसमें भी chords से C D E F G A B chords same ना? Music like piano. I remember मैं बहुत पहले piano बजाता था. All music is the same. Fourth grade में मैं piano बजाता था. I remember. So अभी हम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं. यहाँ पर कुछ apples हैं. ये तो सड़ा हुआ है. Ah. I think I'll just eat this as my pre-workout. इतनी भूख नहीं लगी है. So आज मैं इतना workout नहीं करूँगा. I'll try doing pull-ups, but मुझे पता नहीं कि मेरी back मुझे support करेगी कि नहीं. First rep. Bro, it's feeling so heavy. मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा करूंगा. I think आर्यन ने पूरा full workout कर लिया. I'll do a full workout. What I'll do is, you can do instead. हाँ मैं वहाँ पर उसके room में pull-ups करूँगा और फिर यहाँ पर आके curls, forearms. और बाकी के पुल डे के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो करूंगा. MGK का नया एल्बम आया है एंड आर्यन हैज सडनली बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ MGK. नॉट सडनली, आई थिंक एक दो महीने से ये बहुत बड़ा फैन है. बढ़िया, वी आर गोना ट्रेन टू दैट टुडे. आई यूज्ड टू हेट हिम एट वन पॉइंट बिकॉज़ ऑफ द होल Eminem थिंग, बट देन हमने उसको लाइव देखा एंड या सुपरसोनिक ना या ब्रो, बट ही वाज परफॉर्मिंग द सेम टाइम एज इलेनियम ना. या देन वी 5 मिनट देख के भी 5 मिनट MGK का देखा और फिर इलेनियम. व्हाट इज MGK कमेंट्स? थैंक्स ब्रो. ये है फिजिक अपडेट. लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, थोड़ा सा बॉडी फैट मैंने पुट ऑन किया है एंड आई हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मसल. अब आप में से कहोगे क्या मोटा दिख रहा है वो भी, बट हाँ या आई हैव बिकम फैट. सो आप में से बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कि मेरे बैक को एग्जैक्टली क्या हुआ एंड सच बताऊँ तो मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ. मेरा ये वाला जो वीडियो है उसमें मैंने जिम में बैक ट्रेन किया था राइट, तो उसके अगले दिन रेस्ट डे था, मैं घर पे था एंड आई जस्ट थॉट क्यों ना एब्स ट्रेन करते हैं. सो आई थिंक तब रोटेट करते वक्त या कुछ ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर लैट जहाँ पर इंसर्ट होता है इधर किधर, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइटनेस महसूस हुआ एंड देन दैट्स हाउ माय लैट गॉट पुल्ड. बट मैंने फिजियो को टेक्स्ट किया, उन्होंने मुझे स्ट्रेचेस और वो सब दिए. सो आई हैव बीन डूइंग दोज, अभी भी मैं करूँगा. एक टेनिस बॉल की मदद से जो भी टाइटनेस है वो हटाऊंगा और फिर वील गो मेक सम फूड. तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए मैंने बनाया, यहाँ पर आई हैव 4 एग्स, 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स और एक स्कूप वे प्रोटीन पानी के साथ. एंड दिस इज प्रोटीन, अगर आपको याद है मैंने इस वीडियो में उसका डिटेल रिव्यू दिया था. आई स्टिल लव इट, मुझे लगता है कि प्रोटीन एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड मैंगो फ्लेवर जस्ट इज सो गुड विथ वाटर. मैं इसे अभी तक यूज़ कर रहा हूँ. सो अगर आपको एक फुल डिटेल रिव्यू देखना है आप उस वाले वीडियो पे जाके उसका डिटेल रिव्यू देख सकते हो और प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी. Forget.